फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स आज मैं एक प्लांट की कटिंग लगाने लगी थी तो मुझे एक पॉट की ज़रूरत थी और उसमें एक मेरा सर्दियों का प्लांट लगा हुआ था। तो उसे निकालने के लिए जब मैंने उसकी जो पौधा है उसको जड़ों से निकालने की जब मैं लगाने लगी थी तो उस वक्त जो है मुझे एक थोड़ा सा सरप्राइज़ मिला। तो मुझे ख़्याल आया कि मुझे आपके साथ ये शेयर करना चाहिए क्योंकि मेरे लिए ये बहुत थोड़ी सी नई बात भी थी और कुछ थोड़ी सी अजीब बात भी थी। फ्रेंड्स ये मेरा इसके अंदर ये देखिए ये मेरा इसके अंदर डेलिया लगा हुआ था। फ्रेंड्स ये मैंने सर्दियों का ये प्लांट है, आप सब जानते हैं डेलिया जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है और वो सर्दियों में फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स अभी ये मेरा सूख गया था, अभी आपको पता है ये जून चल रहा है तो मुझे ये पॉट चाहिए था क्योंकि मैंने इसके अंदर एक और प्लांट की कटिंग लगानी थी। तो जब मैंने इसे मिट्टी को नरम करने के लिए इसको निकालना किया, ये देखिए मैंने पहले निकाला तो इसकी जड़ें जो हैं ये देखें ये टूट गई। ये फ्रेंड्स जैसे हम वो लगाते हैं बड़े साइज़ का जो फ्लावर होता है डेलिया का तो उसके जो हैं वो ट्यूबर्स होते हैं या बल्ब्स होते हैं, तो इसकी भी मुझे थोड़ी सी हैरत हुई क्योंकि मेरे जहन में ये था कि ये इसके बल्ब्स नहीं होते। ये जो है ये देखें ये इसके अंदर से ये टूट भी गए और मुझे थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग भी लगा। ये देखिए ये इसके अंदर से इसके बल्ब्स निकले। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बना के आपके साथ शेयर करना चाहिए। मेरा ख्याल ये था कि जो बड़े साइज़ का जो डेलिया होता है जिसे हम इंडियन डेलिया भी कहते हैं वो जो है उसके बल्ब्स होते हैं इसके नहीं होते, लेकिन आप ये देखें और मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई इस बात पर। ये देखिए ये बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा इसमें ये है कि जैसे ये जो मैंने लगाए थे ये मैंने सीड से लगाए थे, इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के इसमें फ्लावर थे। इसमें वाइट भी था, इसमें येलो था, इसमें रेड था, इसमें मरून था, इसमें एक पिंक भी था, काफ़ी सारे फ्लावर्स थे। तो ये देखिए कि मुझे थोड़ी सी हैरत हुई तो मुझे लगा कि मैंने वीडियो तो बनानी थी लेकिन थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया। तो अब मैंने इसकी वही देखें, अब मैं इसको कोशिश करती हूँ कि मैं इसे सेव कर सकूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ भी इस तरह से हुआ है, मुझे इस पे यकीन नहीं था। मेरे दो तीन प्लांट अभी डेलिया के हैं लगे हुए, उसको मैंने अभी जड़ों समेत निकाला नहीं है तो उसको मैं छोड़ दूँगी कि हो सकता है कि जब सीज़न आए सर्दियों का तो वो उसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगा कि ये सीड से हम लगाते हैं उसके भी ये बल्ब्स होते हैं क्योंकि मेरा ख्याल था कि ये सिर्फ जड़ें होती हैं क्योंकि इसे हम सीड से लगाते हैं, इसमें ये बल्ब वगैरह नहीं बनते, लेकिन इसमें बन गए। मुझे थोड़ी सी हैरत हुई, मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि मैंने फ्रेंड्स ये लास्ट ये जो सर्दियाँ थी इसमें मैंने ये फ़र्स्ट टाइम लगाया था ये डेलिया, क्योंकि ये सीड मेरे पास दो तीन साल से पड़े हुए थे लेकिन मैं लगा नहीं पाई थी। तो पिछले साल सर्दियों में मैंने ये लगाए थे तो ये फ़र्स्ट टाइम ही था तो इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी मुझे हैरत हुई क्योंकि ये आज मुझे पॉट चाहिए था तो ये देखा तो ये नीचे से इसके बल्ब हैं। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं बचा पाती हूँ क्योंकि एक जुलाई में और अगस्त में इसकी फिर से बल्ब लग जाते हैं। अभी ये है मेरे पास जून का तकरीबन एंड ही है तो हो सकता है मैं इसे बचा पाऊँ, मैं किसी और पॉट में लगा के चेक करूँगी कि तो मुझसे बच पाता है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।